Hey guys, welcome to the class. This is Kanishka and आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन एंड उसके इकोनॉमिक डायनामिक्स। अब हमने इंटीग्रेशन तो पढ़ लिया क्या होता है, इनडेफिनेट भी पढ़ लिया, डेफिनेट भी पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में क्या काम करता है इंटीग्रेशन, कैसे इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इफ़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 2x। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x दिया हुआ है, मतलब dy वाई अपॉन में dx दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 2x, एंड y इज इक्वल्स टू में 4 एंड x इज इक्वल्स टू में 1। y और x की वैल्यू दी हुई है जो कि है 4 एंड 1। अब इसमें हमें y निकालना है, y एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y फंक्शन निकालना है हमें। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, dy वाई अपॉन डी एक्स गिवन है 2x, जिससे हम dx को उस साइड राइट हैंड साइड ले जाके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे, डी वाई की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों बोथ साइड में, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास इस लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई है तो उसकी वैल्यू आ गई वाई, एंड लेफ्ट हैंड साइड में 2x का इंटीग्रेशन है तो 2 हमारा कॉन्स्टेंट है वो हम बाहर लेके जाएंगे, एंड x का इंटीग्रेशन करेंगे जो कि होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। अगर आपको फार्मूला कन्फ्यूजन लगता है फार्मूले में तो आप लास्ट वीडियो हमारी देख सकते हैं। तो ये इक्वेशन अब बन गई, y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c। c हमने कांस्टेंट लिया है, मतलब आर्बिट्रेरी वैल्यू के तौर पे लिया है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन हमारी y की फंक्शन आ गई y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस c। यही हमारा आंसर होगा क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ y का फंक्शन पूछा था x के रिस्पेक्ट में, तो हमारा आंसर आ चुका है। बट हमें c की वैल्यू अभी फाइंड आउट करनी है। c की वैल्यू के लिए हमें y की वैल्यू 4 दी हुई है एंड x की वैल्यू 1 दी हुई है। हम इस इक्वेशन में x एंड y की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ही हमने इस इक्वेशन में x एंड y की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू 4 पुट करी है एंड x की वैल्यू 1 पुट करी है, तो x स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर आ जाएगा। वैसे ही हमारी c की वैल्यू निकल के आ जाएगी जो कि आई है 3। तो हमारी इक्वेशन बन गई है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब आप यहाँ पे c पे तभी छोड़ेंगे जब हमें क्वेश्चन में y और x के पॉइंट गिवन नहीं है। जब हमें क्वेश्चन में y और x के पॉइंट्स गिवन है तो हम c की वैल्यू निकाल के इक्वेशन को सॉल्व करके फिर शो करेंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज 0.8x माइनस 0.6x स्क्वायर। यह हमें dy अपॉन dx दिया हुआ है तो वो हमने लिख दिया है जो क्वेश्चन में गिवन है, एंड y इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 0 फाइंड y। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है पिछले वाले के जैसा, तो हम dy को एक साइड रख के dx को राइट हैंड साइड ले जाके फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। जैसे ही हम इंटीग्रेशन डालेंगे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आ जाएगा y, dy का इंटीग्रेशन y हो जाता है, एंड राइट हैंड साइड में फिर हमारे दो टर्म्स हैं, दो अलग अलग इंटीग्रेशन हम करेंगे। तो हमने दो अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए, 0.8 कॉन्स्टेंट है उसको कॉमन ले जाके इंटीग्रेशन ऑफ x करेंगे जो कि आया है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, एंड यहाँ पे 0.6 कॉमन ले जाके क्योंकि वो कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे जो कि आया है एक्स क्यूब अपॉन में 3। अब ये हमारी इक्वेशन आ गई है वाई के रिस्पेक्ट में। अब हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक्स भी 0 के इक्वल है एंड वाई भी 0 के इक्वल है, देन हम दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ही हम वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारी सी की वैल्यू आई है 0 के इक्वल। तो सी 0 आ गया तो हमारी इक्वेशन में सी 0 हो गया, मतलब हमने एलिमिनेट कर दिया सी को। तो y इज इक्वल्स टू 0.8x स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 0.6x क्यूब अपॉन में 3, हमारी इक्वेशन आ गई है y की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट द कंज्यूमर्स डिमांड फंक्शन बी p इज इक्वल्स टू 20 माइनस 2q। अब कंज्यूमर डिमांड फंक्शन दिया हुआ है जो कि इन्वर्स फंक्शन है क्योंकि p के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो p इज इक्वल्स टू 20 माइनस 2q कंज्यूमर डिमांड फंक्शन दिया हुआ है। हमें कैलकुलेट करना है कंज्यूमर का सरप्लस जहाँ पे हमें प्राइस दिया हुआ है 8 के इक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि हमें सरप्लस फाइंड आउट करना है प्राइस इज इक्वल टू 8 पे। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इज इट स्मॉलर देन द कंज्यूमर सरप्लस फॉर पी इज इक्वल्स टू 4। अब इसमें पी इज इक्वल्स टू 8 का सरप्लस निकालने के लिए बोला है एंड फिर पूछा है कि पी इज इक्वल्स टू 4 का सरप्लस निकाल के, कंज्यूमर सरप्लस निकाल के हमें ये बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्मॉलर है, मतलब दोनों में से कौन सा स्मॉलर होगा। देन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो हमने लेट कर लिया है एफ क्यू जो हमारा आउटपुट दिया हुआ था या कंज्यूमर डिमांड फंक्शन दिया हुआ था, उसको हमने क्यू के फंक्शन में लेट कर दिया है। तो एफ क्यू इज इक्वल्स टू में पी इज इक्वल्स टू 20 माइनस 2 क्यू। अब हम
पी को 8 रख के हमारी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो जैसे ही इस इक्वेशन में हमारा पी 8 हो गया, देन हम 20 माइनस 2 क्यू करेंगे, 2 क्यू इधर ही रहेगा, 20 उधर चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो गया 20 माइनस में 8 जो कि होता है 12, देन 2 हम डिवाइड में लेके आ गए राइट हैंड साइड ले जाके, देन हमारा क्यू की वैल्यू आ गई 6, तो क्यू की वैल्यू 6 आ गई जब हमारे पी की वैल्यू 8 थी। देन नेक्स्ट देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर निकालेंगे पी क्यू, तो टोटल एक्सपेंडिचर पी क्यू फॉर्मूला होता है, प्राइस हमारा 8 था एंड क्यू हमारा 6 निकला था, पी क्यू हमारा आ गया 48 जो कि होता है टोटल एक्सपेंडिचर। अब हम इंटीग्रेट करेंगे कंज्यूमर डिमांड फंक्शन को, हम क्यों कर रहे हैं अभी आप बताते हैं। अब यहाँ पे हमने क्यू के रिस्पेक्ट में हमने लिया था, जो कंज्यूमर डिमांड फंक्शन दिया हुआ था वो इन्वर्स फंक्शन दिया हुआ था क्योंकि वो पी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ था, हमने लेट कर लिया था इसको एफ क्यू। अब हम एफ क्यू को इंटीग्रेट करेंगे, कंज्यूमर डिमांड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे जब हमारा जो क्यू है, जो अमाउंट आया है हमारा वो 6 आया है, तो 0 to 6 इंटरवल लेके हम इसको काउंट करेंगे, 0 ही लेंगे क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड कभी नेगेटिव में नहीं जाती, तो 0 to 6 में हम इंटरवल लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो था वो 20 - 2 क्यू का था, इक्वेशन जो दी हुई थी, अब इसको हमने इंटरवल में रख दिया है 0 to 6 के, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमें दो टर्म्स दिख रही हैं, दोनों टर्म्स को अलग अलग लिख देंगे, फिर 20 यहाँ से कॉमन आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, फिर हम dq का इंटीग्रेशन करेंगे रिस्पेक्ट टू 0 to 6 इंटरवल के। अब हम दूसरी साइड 2 को कॉमन ले आएंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, एंड यहाँ पे q का इंटीग्रेशन करेंगे 0 to 6 इंटरवल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इसका इंटरवल dq का इंटरवल q आ गया एंड q का इंटरवल q² / 2 आ गया। अब यहाँ पे हम क्यू की वैल्यू रख देंगे 0 और 6 की, और यहाँ पे भी 0 और 6 की वैल्यू रख देंगे, तो 20 जो कॉमन था कांस्टेंट था, 20 ब्रैकेट में 6 माइनस में 0, दोनों इंटरवल के बीच में माइनस का साइन आएगा, -2 एंड यहाँ पे भी दोनों इंटरवल के बीच में माइनस का साइन आएगा, तो ये हो गया 6² / 2 माइनस में 0, एंड देन 26 का होता है 120 एंड 2 से 2 कैंसिल आउट होके हमारा आंसर आ गया 36, तो 120 - 36 हमारा आंसर आ गया 84। 84 क्या निकला है हमारा इंटीग्रेशन, जो कि हमने निकाला था 0 to 6 के रिस्पेक्ट में। अब हमने ये तो निकाल लिया p इज इक्वल्स टू 8 पे, जब हमारा q इज इक्वल्स टू 6 आया तो हमने इंटीग्रेशन निकाल लिया। अब हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि cs निकालना है हमें, cs क्या मतलब कंज्यूमर सरप्लस, तो कंज्यूमर सरप्लस 1 लेके हम निकाल देंगे, जिसमें हमारा जो इंटीग्रेशन हमने निकाला है कंज्यूमर डिमांड फंक्शन का, उसको हम माइनस कर देंगे अपनी टोटल एक्सपेंडिचर से, इसलिए हमने टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे फाइंड आउट किया था, यह हमें कंज्यूमर सरप्लस में काम आएगा। तो कंज्यूमर सरप्लस में हम इंटीग्रेशन ऑफ कंज्यूमर डिमांड फंक्शन माइनस में टोटल एक्सपेंडिचर को रख देंगे, तो ये आया था 86, ये हमने निकाला था 48, तो हमारा आंसर आ गया 36 कंज्यूमर सरप्लस जब हमारा पी इज इक्वल्स टू 8 था। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जब हमारा पी इज इक्वल्स टू 4 था। अब हमने पी इज इक्वल्स टू 8 में कंज्यूमर सरप्लस तो निकाल दिया, अब हमारा सेकेंड पार्ट भी क्वेश्चन में पूछा हुआ था जब पी इज इक्वल्स टू 4 पे हमें निकालना है कंज्यूमर सरप्लस एंड देन उसको कंपेयर करना है पी इज इक्वल्स टू 8 से। 8 और 4 को कंपेयर करके हमें ये बताना है कौन सा स्मॉलेस्ट होगा। तो यहाँ पे पी इज इक्वल्स टू 4 रखा, इस इक्वेशन में पी की जगह 4 रख देंगे तो क्यू की वैल्यू आ गई 8। जैसे ही क्यू की वैल्यू 8 आएगी हम अपना टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे क्योंकि वो कंज्यूमर सरप्लस में काम आएगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर जहाँ पे पी इज इक्वल्स टू 4 एंड क्यू इज इक्वल्स टू 8 था, तो 4 8 का हो गया 32, तो ये आ गया हमारा टोटल एक्सपेंडिचर। फिर हम इंटीग्रेट करेंगे कंज्यूमर डिमांड फंक्शन को, कंज्यूमर डिमांड फंक्शन तो इंटीग्रेट होगा पर इंटरवल यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्यू की वैल्यू आई है 8, तो 0 to 8 इंटरवल हम लेके चलेंगे। तो 0 to 8 इंटरवल में हम अपना क्वेश्चन रख देंगे, देन दो टर्म है यहाँ पे, दो टर्म अलग अलग सॉल्व होंगी, तो 20 और इंटीग्रेशन होगा dq का जो कि आ गया है क्यू, तो क्यू के रिस्पेक्ट में हमने 0 to 8 लिमिट्स रख दी हैं, अपना इंटरवल रख दिया है -2, जैसे हमने सेम पीछे सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब क्यू का इंटीग्रेशन होता है q² / 2 एंड हम अपनी लिमिट्स रख देंगे यहाँ पे भी। अब लिमिट्स रखने के बाद क्यू की वैल्यू 8 - 0 से 8 हो गई, तो 28 का होता है 160। अब सेकंड टर्म में भी देख लेते हैं, तो 8 वैल्यू रखनी है हमें क्यू की और 0 वैल्यू रखनी है, तो 8² / 2 - 0, तो ये हो गया 64/2, देन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 64 हमारा आंसर आ गया। तो 160 में से 64 हमारा माइनस होगा, तो हमारा आंसर आ गया 96। अब ये आया है इंटीग्रेशन ऑफ द कंज्यूमर डिमांड फंक्शन।
अब हम CS2 निकालेंगे, मतलब कंज्यूमर सरप्लस 2 निकालेंगे, जिसमें हमने ये वाला फंक्शन ले लेना है जो हमने निकाला है कंज्यूमर डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन करके, और माइनस 32 जो हमने टोटल एक्सपेंडिचर निकाला था। अब हम दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आया है 64। अब हमें CS1 और CS2 को कंपेयर करने के लिए बोला था और पूछा था कौन सा सबसे स्मॉलर है, तो CS1 जो कि आया था 36 एंड CS2 जो कि आया था 64। तो इसमें से स्मॉलेस्ट कौन हुआ? CS1 हुआ, मतलब कंज्यूमर सरप्लस 1, जब हमारा प्राइस था 8 के इक्वल। तो 8 वाला प्राइस और जब हमारी डिमांड आ रही थी, मतलब क्यू आ रहा था 6 के इक्वल, तभी हमारा ये स्मॉलर आ रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ पे ख़त्म होता है, थस कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीजेस एज द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी फॉल्स। जैसे जैसे प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी फॉल्स होता है, हमारा कंज्यूमर का सरप्लस इंक्रीज होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द इक्वेशन dx/dy - 5y = -25। तो ये हमें इक्वेशन दी हुई है जहाँ पे हमें दिया हुआ है y0 = 6 है। अब इसमें हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें दो फॉर्मूले यूज़ होंगे, ये आप अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो ये न्यूमेरिकल में ही मैंने ऐड कर दिया है। इसमें हम दो फॉर्मूले लगाते हैं, एक तो ये फॉर्मूला है, एक आगे आने वाला है। तो ये जो इक्वेशन है dy/dx - 5y = -25, इसमें जो m हम लेंगे वो -5 को लेंगे, जो इंटरसेप्ट है y का, मतलब y का स्लोप हो गया, या y के साथ कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है आप वो मान सकते हैं। तो इस जगह y के साथ जो कांस्टेंट लिखा हुआ है उसको हम लेंगे m, एंड जो उस राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट लिखा हुआ है उसको हम लेंगे k। तो हमारा a या फिर b हम भी ले सकते हैं, m और k भी ले सकते हैं, एंड आप और कोई कांस्टेंट भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने a एंड b ले लिया है। तो a हमने ले लिया है -5 को एंड b हमने ले लिया है -25 को। अब हम क्वेश्चन का फॉर्मूला देखेंगे। अब हम इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाएंगे y का, तो y = ae^(-mx+b)/a। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे इस क्वेश्चन में एंड सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो अभी कुछ नहीं दिया हुआ, बस हम m और a एंड b की अपनी वैल्यू लगा देंगे। तो m हमने फाइंड आउट किया था, वो क्या था, m फाइंड किया था -5, तो -5 वैल्यू लगा देंगे m की। तो -5 - -5 - -+ हो गया, तो ये आ गया 5x वैल्यू आ गई। एंड इधर जो b/a था, तो b हमारा था -25 एंड a था -, कैंसिल हो गए, 25/5 आ गया, जिसका आंसर होता है 5। तो हमारी इक्वेशन बन गई अब y = ae^(5x+5)। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है y = 0, मतलब y0 पे वैल्यू होगी 6। तो y0 पे वैल्यू होगी 6 हमने इस इक्वेशन में। अब ये दूसरी इक्वेशन हमने फॉर्म की है, ये फॉर्मूला दूसरा है, इसमें दो फॉर्मूले यूज़ होंगे इस क्वेश्चन में। तो जैसे ही हमें ये दिया होगा y0 = में कुछ वैल्यू दी होगी y0 पे, तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं कि कैपिटल y0 = में कैपिटल a+b/a। b/a तो हमने फाइंड आउट किया था 25/5, जिसको कैंसिल करके आ जाता है 5, एंड यहाँ से हम अपनी a की वैल्यू निकाल लेंगे। एंड y0 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो कि है 6, तो हमने 6 नोट डाउन कर लिया। अब a की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 1। जैसे ही a की वैल्यू आएगी, हम इस इक्वेशन में a की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमने a की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया y = e^5x+5। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय गाइज।